भक्ति का तात्पर्य अपने सिर के अंदर विस्फोट को होते हुए देखना है, आगे ना अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महीन से महीन नाड़ियों को चमकते हुए देखना है, अपनी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से बात करनी है। भक्ति का तात्पर्य ये है कि अपने नाभि चक्र को घूमते हुए महसूस करना है। भक्ति का तात्पर्य ये है कि अपने अंतर के नाद को सुनना है, जो कोई विज्ञान नहीं सुना सकता। आगे ना, हाँ एक बात, विज्ञान का कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो आपके पास बाह्य वायु को रोके, बाह्य शब्द को रोके, तब क्या होगा, आपको अंतर का शब्द सुनने लग जाएगा। वो इसमें आपकी मदद कर सकता है, विज्ञान सहायक हो सकता है आपका, लेकिन विज्ञान आपसे उत्पन्न हुआ है। विज्ञान इस देह का धर्म है, वो इस देह से ही उत्पन्न होता है, इसलिए ये जितना भी देख रहे हो सब इस देह से उत्पन्न हुआ है। अगर ये देह ना होती तो, और देह का सहारा ना होता तो ना जहाज बनता, ना हवाई जहाज बनता, ना पानी का जहाज बनता, कोई चीज बनी नहीं सकती। विज्ञान तो देह का धर्म है और अध्यात्म जो है वो आत्मा का धर्म है। नहीं समझे? तो ए बेंदी, अभी बताओ क्या स्थिति है, पहले कैमरे के सामने आपको क्या हो रहा है और क्या होता है आप? मेरे को जो नेगेटिव है वो मतलब कि ऐसे आती है मुझे, मतलब पहले तो पैरों में कपकपाहट होती है, हाँ, फिर हाथों में, हाँ, फिर कलेजे पे, हाँ, और फिर जैसे एकदम से ऊपर ऊपर को आ जाती है, ऊपर तो रोने का करती है फिर हंसने का करती है, पहले रोती है फिर हंसती है। हाँ, आपने कभी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को मैंने वैसे दिखाया जैसे कि हाँ मेरे पेट में दर्द होता है, इस तरह से दिखाया है, और पैर हाथों में दर्द होता है, कभी कुछ हो जाता है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, सर दर्द तो बहुत ज्यादा ही रहता है मेरा, बस ये सब दिखाया तो कुछ। अब गौतम भैया बताएंगे ऋतु के नाम से देखे कि इनको है क्या, इनका घर भी बताएंगे। एक बात है ना, बहुत सारे लोग हैं वो, इनका घर भी बताएंगे, घर में कहीं निगेटिविटी ठहरती है, कोई और खुली चीज है वो भी बताएंगे। छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, पेट में प्रॉब्लम कभी भी बढ़ जाती है, आधे हाथ पर सुन होते हैं, चक्कर आते रहते हैं, आंखों में चुभन बढ़ जाती है, गला रुक जाता है। क्या ये होता है? पहले छोटे बच्चे ज्यादा दिखते थे, पहले से कम होने लग रहे हैं, सपने में पहले से अब कम होने लग रहा है, दिखते थे पहले दिखते। बोले श्री देव महाराज की जी। फिर उसके इधर जाके ऐसे जीना दे रखा ऊपर की तरफ, ऐसे ही है, यही घर है। ये किसका घर है? बताएं। घर में एंट्री करते हैं पहले ऊपर ना पक्का कर रखा है, खुला है पक्का है, बराबर बरामदा कर रखा, फिर एक रूम इधर है एक रूम इधर की तरफ। पुराना घर आपका देखिए। दादा के टाइम का घर नहीं है, इनके मायके का भी है। हाँ मायके का है, साइड में खुला प्लॉट है, आपके मायके का घर देखिए। फिर हमारा भी चेंज हो चुका है ना, फिर इसी वजह से कई बार घर चेंज किया है। ये इस घर से निगेटिविटी आपके साथ चल रही है, ये घर पहचान ही आप किसका? अगर आपने किराए पे भी लिया, फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, बराबर में भी खुला प्लॉट है, अंदर दो ही कमरे हैं, बरामदा भी है, बाहर से आंगन खुला है, जैसे गांव के घर होते हैं। तेरा अपना घर कैसे था? कलर भी बहुत कम है, इसका ऊपर का कलर कर देते ना ग्रीन पे कलर।
अभी शरीर में क्या ठहरता है? शरीर में माता चल रही है, उसके साथ दो पित्र है, दो चीजें और में दोनों बैठी हुई है, तो पेट में घूमती रहती है। अब इसको दर्द कहाँ है? एक तरफ यहाँ रहता है और गले जब रहता है पीछे कमर में बढ़ जाता है। अब ये मुट्ठियाँ बंद करो, जोर से बंद करो, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है, हल्का भी नहीं रखना है। अब रखो, अभी आपके कहीं कंपन तो नहीं है शरीर में? कहाँ पे? वैसे मेरे को पैर में हो रहा है, बहुत सुन हो रहा है। आँखों में देखे मेरी में, गौर से